राजधानी की सड़कों पर पिछले कई दिनों से सैकड़ों अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। इसमें तारीख भी नोट कर लीजिए, 21 जून से सैकड़ों अभ्यर्थी रोजाना धरना दे रहे हैं और अब यह प्रदर्शन हिंसक हो चला है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, यह भी आप बखूबी समझ रहे हैं। राजधानी की सड़कों पर पुलिस का तांडव हो गया है। जरा सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारी परीक्षा प्रणाली इतनी सरल क्यों नहीं हो सकती कि हम रिटर्न दें, साक्षात्कार दें और हमें नौकरी मिल जाए। क्यों हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, क्यों हमें सिंगल बेंच और डबल बेंच के चक्कर काटने पड़ते हैं, यह सोचना होगा। बहरहाल, भारत समाचार की टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे आप पहले देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जॉब के लिए जंग, भर्ती के लिए सड़क पर अभ्यर्थी, मांग को लेकर महाधरना, हमें रोजगार दो सरकार। सरकार से रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थी राजधानी की सड़कों पर दर दर ठोकरे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, भटक रहे हैं। ना तो कोई सुध लेने वाला मिल रहा और ना ही कोई सुनवाई करने वाला मिल रहा है। नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर भटक रहे अभ्यर्थी कभी सीएम आवास का घेराव करते हैं, कभी शिक्षा मंत्री का, तो कभी भी चौराहे पर चीखते और चिल्लाते हैं। लेकिन सुनवाई के नाम पर पुलिस लाठियां बरसाती है, हिरासत में लेती है, मारपीट करती है और खदेड़ कर, खौफ दिखाकर तितर बितर कर देती है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है और जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो इसमें असफल रहे हैं और आरक्षण नियमों की वजह से बाहर हो गए हैं, वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के गेट पर ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस फोर्स को भी काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि ग्रुप बना करके जो छात्रों का संगठन है अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रदर्शन कर रहा है। अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के गेट पर है और पुलिस इनको उठा करके पुलिस वैन के जरिए पुलिस लाइन ले जा रही है, इनको हिरासत में लिया जा रहा है। पहले लाठियां खाई, फिर हिरासत में लिए गए, थक गए, हार गए तो जान देने की कोशिश की। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले से आहत होकर थकार कर आत्महत्या के इरादे से गोमती नदी में कूद गया, जिसके बाद आनंद फार्म में गोमती नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे बचाया गया। तो ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। भारत समाचार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों की हत्यारी भाजपा सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले के विरोध में सत्ता के दमन के खिलाफ लखनऊ में गोमती में छलांग लगाकर वंचित वर्ग का छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किया। हर अत्याचार का जवाब मिलेगा, भाजपा सरकार के दिन है बचे चार। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस सपा आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी सफाई देने में लगी है। शायद मुख्यमंत्री यह नहीं चाहते कि पिछड़े और दलित के परिवार के बच्चे रोजगार प्राप्त कर सके, शिक्षक बन सके, इसी का यह द्योतक है। कांग्रेस पार्टी उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है जिसके साथ सरकार ने अन्याय किया है। मजबूती के साथ उनकी आवाज को सदन में भी बुलंद करेंगे, एक एक लाठी का हिसाब सड़क पर भी देंगे और सदन में भी
सरकार को घेरने का काम कर। शिक्षा मंत्री पे खुद पे गंभीर आरोप लगे बेईमानी करने के, उसके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई कर नहीं पाई। और जो लोग अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मांग रहे हैं उनके साथ केवल केवल जाति द्वेष के कारण लाठीचार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है और उनके संवैधानिक हक को छीना जा रहा है। सरकार को उनका हक उनको देना चाहिए, नहीं जब समय आएगा तो समाजवादी पार्टी ये काम सुनिश्चित करेगी। निश्चित तौर पे जो बचे हैं उनकी भी नियुक्ति होगी, लेकिन दुर्भाग्यजनक है ये चुनाव वर्ष है तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव हो या बहुजन समाज पार्टी इनको विभ्रमित करने का कुप्रयास कर रही है जो निंदनीय है। मेरा ये मानना है कि जो अभ्यर्थी जो शिक्षक चुने गए हैं निश्चित तौर पे उन्हें उन नियुक्तियां की जाएंगी उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदेश में हर चुनावी साल बेरोजगारों से सरकार रोजगार देने का वादा करती है, करोड़ों रुपए फॉर्म भरवाने के नाम पर लिए जाते हैं और फिर किसी न किसी आरोप के बाद भर्ती अटक जाती है। अभ्यर्थी फिर सड़कों पर लाठियां खाता है, रोजगार की गुहार लगाता है और फिर शुरू हो जाती है राजनीति। बहरहाल फैसला अब सरकार के पाले में है, देखना ये है कि सरकार क्या निर्णय लेती है। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनके हिस्से पर आश्वासन और केवल लाठियां मिल रही हैं, जिसको लेकर के सियासत भी तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है कि चुनाव के समय लोगों को लुभाया गया, बेरोजगारों को फंसाया गया लेकिन अब उनके हिस्से केवल लाठियों की बौछार आ रही है। कैमरा नफीस खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। कड़ी मेहनत के बाद आप परीक्षा क्वालिफाई करें, उसके बाद आपके खाते में क्या आती है? लाठी, बदसलूकी, ऐसा भी होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी किया गया है। अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है। बीजेपी कार्यालय यानी 7 विधानसभा मार्ग के बाहर अभ्यर्थियों ने बदसलूकी की है। परेशान अभ्यर्थियों को पुलिस ने थप्पड़ मारे हैं। पुलिस गाड़ी में बैठाने के दौरान बदसलूकी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने जब प्रदर्शन किया तो उनके साथ सलूक कैसा किया गया, जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तो ये अपना उत्तर प्रदेश है जहां पर एक साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली भी नहीं है कि आप लिखित परीक्षा क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद साक्षात्कार क्वालिफाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। नहीं, यहाँ तो सिंगल बेंच, डबल बेंच, लाठी डंडे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो आपकी किस्मत है। ये देखिए किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की गई है। और जरा सोचिए, ये आप लोगों के सोचने का भी वक्त है कि क्या हम ऐसी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं। आप 4.5 साल में गौर कीजिएगा, एक भी ऐसा कोई परीक्षा हो गई हो जिसमें सिंगल बेंच, डबल बेंच, लाठी डंडे ना खाने के बाद सीधे आपकी नियुक्ति हो गई, आपके बच्चे की नियुक्ति हो गई, आपके भाई की नियुक्ति हो गई, आपके मित्र की नियुक्ति हो गई। सोचिए क्या कोई एक भी परीक्षा है जो ऐसे हो गया हो जहां हमारे होनहार विद्यार्थी सीधे परीक्षा क्वालिफाई करें और नौकरी करें। नहीं, उनको तो सिंगल बेंच जाना पड़ेगा, डबल बेंच जाना पड़ेगा, ये नोट करना पड़ेगा कि आमुक तारीख पर महाअधिवक्ता महोदय कोर्ट आए या नहीं आए। अगर कोर्ट नहीं आए तो उसके लिए भी धरना देना पड़ेगा कि माननीय महाअधिवक्ता महोदय कोर्ट आ जाए। इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में ये सब कुछ हुआ है, इसी 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने गौर किया होगा ऐसा।